नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की जो क्लास रहेगी भारत का भूगोल, यानी कि आपके प्रयोगशाला परिचालक, एडीओ, हॉस्टल वार्डन, सीजीपीएसई प्री जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न है 2003 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न आपके विगत वर्षों से पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक लेकर आए हैं। अगर आप यहाँ से रिविजन कर लेते हैं आपका 2 से 3 नंबर पक्का है, ठीक है। जैसा भी प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसका जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए यह क्वेश्चन है भारत के भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। डेली क्लास करेंगे हम यहाँ से, आज से स्टार्टिंग है भारत के भूगोल से और छत्तीसगढ़ की क्लास चल रही है, ठीक है। तो चलिए अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल जो विगत वर्षों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि भारत की नदी अपवाह तंत्र पहले देख लेते हैं, उसके बाद प्रमुख झील वगैरह देखेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ हैं निम्न में से किस अवस्था के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर आपका होगा वृद्धावस्था। इसी के बारे में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी और प्रायद्वीप नदी है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी और आपका आ जाएगा तापी यानी कि ताप्ती नदी। तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी, जो कि आपके 2018 में पूछा गया है ना। तो जितने भी विगत वर्षों से पूछे गए हैं वही क्वेश्चन करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो लंबाई है, मैं बात करूँ गोदावरी नदी की, भारत में 1465, उसी प्रकार कृष्णा नदी का जो लंबाई है 1400 और नर्मदा नदी की जो लंबाई है आपका 1312, कावेरी नदी के 805, ताप्ती नदी का 724। अब देखेंगे जो एग्जाम में सीजीपीएसई का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो आपका नदी भ्रंश घाटी यानी कि नदी भ्रंश घाटी के एग्जाम में कई बार पूछता है ना। तो नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली वो किससे बहती है, तो इसका आंसर आपका बी होगा नर्मदा नदी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो नर्मदा नदी है सबसे छोटी नदी है और इसकी जो दिशा है वो आपको पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जिसमें इसकी जो सहायक नदी है बंजर नदी और तारा नदी, ठीक है। तो तारा नदी आपका दंतेवाड़ा और बंजर नदी जो पश्चिम दिशा में बहती है, सॉरी कवर्धा जिले में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे नर्मदा नदी जो विंध्याचल है सतपुड़ा की भ्रंश घाटी में बहती है, ये भारत की नदियाँ से है ना। अब देखेंगे कि कावेरी जल विवाद कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा कावेरी विवाद है नहीं। तो कावेरी जल विवाद है ऑप्शन तमिलनाडु कर्नाटक केरल के मध्य, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है तमिलनाडु केरल के मध्य। ऑप्शन सी है आपका महाराष्ट्र कर्नाटक केरल के मध्य या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ए होगा तमिलनाडु कर्नाटक केरल के मध्य जो है कावेरी जल विवाद, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे भारत के किस राज्य से फेनी नदी बहती है, कौन सी नदी फेनी नदी। तो 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फेनी नदी आपका भारत के किस राज्य में बहती है, तो त्रिपुरा, ठीक है। कौन से राज्य में बहती है, त्रिपुरा राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा गंगा नदी का उद्गम कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ है आप लोग को मालूम है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देखिए गंगा नदी का उद्गम ऑप्शन ए बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक या अरावली। तो इसका आंसर ए होगा बृहद हिमालय, है ना। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है आपका आएगा बृहद हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से। साथ ही जो गंगा नदी की जो मुहाना है आपका सुंदरवन का डेल्टा के पास बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। अब देखेंगे गंगा नदी का मुहाना कहाँ है। तो गंगा नदी का मुहाना आपका सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2013 में पूछा गया है और सीजी व्यापम के 2016 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर गंगा नदी का जो मुहाना है आपका सुंदरवन का डेल्टा में, ठीक है। अब हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह तंत्र भारत में सबसे बड़ा है, ऐसा कौन सा नदी अपवाह तंत्र है जो भारत में सबसे बड़ा है, ठीक है।
तो इसका आंसर आपका होगा गंगा नदी अपवाह तंत्र, जो कि भारत में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो नदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ी और सबसे वृहद नदी अपवाह तंत्र है, अर्थात भारत का गंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी है आपको गंगा नदी, है ना, मैं आपको अभी बताया, और बेसिन नदी भी उन्हीं को कहा जाता है। अब देखेंगे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव, तो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव आप सभी को मालूम होगा डॉल्फिन है, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन है, जिसकी घोषणा 2009 में हुई थी। ठीक है, किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, यह आपका अमीन पटवारी 2017 में पूछा गया है। तो मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो किस यहाँ पर पूछा गया है किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा नदी, गंगा नदी, इंद्रावती नदी, तो इसका आंसर आपका होगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी में आपका जो है डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, अब प्रमुख झील से संबंधित देखेंगे। ठीक है, इसके बाद मिट्टिया से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए प्रमुख झील से है कोलेरू झील, निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, आपके CGPSC 2017 में पूछा गया है। तो कोलेरू झील निम्नलिखित किस राज्य में है, तो आपका आंध्र प्रदेश, डायरेक्ट आपको आंसर कराते चल रहा हूँ। अब है पुलिकट झील स्थित है, जो पुलिकट है आपका आंध्र प्रदेश में, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब बात करते हैं चिल्का झील किस राज्य में है, आपका पटवारी 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील आपका ओडिशा राज्य में स्थित है, है ना। अब भारत में सबसे बड़ी और ताजे पानी का झील, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो देखेंगे, मैं आप सभी को कह रहा हूँ 2003 से 2022 तक के जितने भी विगत वर्षों से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं भारत के भूगोल के टॉपिक से, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ी और ताजे पानी का झील है आपको वूलर झील, याद रखना कौन सा झील है, वूलर झील। अब भारत की सबसे बड़ी झील वह है चिल्का झील, अब याद रखना, देखिए भारत का सबसे बड़ा झील बोला गया तो चिल्का झील, और भारत की सबसे ताजे पानी का झील बोला जाएगा तो वूलर झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का, निम्न में से कौन सा भारत के सबसे बड़ी और खारे पानी का झील है, तो आपका चिल्का झील आ जाएगा, है ना, और भारत के सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है, तो आपका भी चिल्का झील आएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो चिल्का झील से संबंधित, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब भारत में मीठे पानी का झील, ये आपको वूलर झील, ये सभी क्वेश्चन आपके व्यापम PSC एग्जाम में कई बार 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 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब मीडिया से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, तो 2-3 टॉपिक है, देख के जाइएगा, है, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, डेली ऐसे हम क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो देखिए निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में, है ना, सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार है, कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी, ये आपके व्यापम 2013 में पूछा गया है, तो इसका आंसर ए होगा जलोढ़ मिट्टी। अब लेटेराइजेशन का संबंध किससे है, तो मिट्टी से ही संबंध होगा, है ना। अब निम्नलिखित में से किस मिट्टी के निर्माण के लिए बेसाल्टी सेल उत्तरदायी है, ये भी आपके व्यापम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर होगा काली मिट्टी, है ना। अब भारत के किस मिट्टी में रेगुर के नाम से जाना जाता है, भारत की कौन सी मिट्टी है जो रेगुर के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। निम्नलिखित राज्यों में किसके पास बहुत कम जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, सबसे कम जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र किसके पास है, तो मध्य प्रदेश के पास। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके व्यापम में PSC में बार बार पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में रेगुर भी कहा जाता है, अब रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो आपकी काली मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं, है ना। अब देखेंगे लेटेराइट मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है, जिसका कारण क्या है, तो उच्च अम्लीयता के कारण, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्षार का जो pH मान होता है 7 से ऊपर होता है, और अम्ल का जो pH मान होता है 7 से कम होता है। अगर पूछा जाए कि उदासीन, तो आपका pH मान 7 होगा। बस इतना ही आज के लिए, आप सभी के लिए धन्यवाद।